राजधानी लखनऊ में किसानों की महापंचायत कुछ देर पहले ही शुरू हो गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद यह पहली महापंचायत थी। इको गार्डन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों के अलावा किसानों के अभी और कई मसले हैं। उन किसानों का क्या जो आंदोलन में शहीद हो गए, शहीद किसानों के लिए स्मारक बनवाया जाए, MSP गारंटी कानून बने और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए। सरकार से टेबल पर बैठकर बातचीत के बाद ही घर वापसी होगी। राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि CAA कानून वापस हो वरना UP को शाइन बाग बना देंगे। टिकैत ने कहा कि ओवैसी और भाजपा के बीच चाचा भतीजा वाली बॉन्डिंग है, उन्हें इस बारे में टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए, वे सीधे पूछ सकते हैं। मोर्चे से जुड़े नेताओं की दलील है कि शीतकालीन सत्र में बिल रद्द होने का वे लोग इंतजार करेंगे। लखनऊ की महापंचायत के साथ मोर्चे के लोग सरकार पर इसको लेकर और ज्यादा दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि एक साल में जितने भी घटनाक्रम हुए उन पर सरकार बात करे और एक स्पष्ट पत्र जारी करे। ये आज देश की संपत्ति मंडियों की जमीन को बेच रहे हैं, उस पर कौन बात करेगा। 3 कानूनों से अलग हटकर कोई भी सवाल है, और भी बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब हमें चाहिए। यह आंदोलन एक साल से चल रहा है। यह आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानून पर नहीं है, इसके साथ में MSP और बिजली अमेंडमेंट बिल भी है। अब तक बातचीत नहीं होगी तब तक किसान वापस नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन में अब तक छोटे बड़े 200 से ज्यादा किसान संगठन शामिल होंगे। सभी लोग सिर्फ किसान मोर्चे के तहत एक मंच पर आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि रैली में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्य के लोग शामिल होने पहुंच चुके हैं।